गनौर में सेल्फी विद ट्री कार्यक्रम के तहत आज परिवहन मंत्री किशन पवार ने 500 बच्चों को पौधे वितरित किए। मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त से पहले लाखों की संख्या में पौधे वितरित किए जाएंगे और इनकी देखरेख वो बच्चे स्वयं करेंगे जो इन पौधों को लगाएंगे, यानी पौधे की पूरी जिम्मेदारी स्वयं बच्चों की होगी। इतना ही नहीं, जिन बच्चों का पौधा बेहतर और तंदुरुस्त होगा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान बीते दिन गनौर के खुले नाले में एक मासूम बच्चे के डूबने से हुई मौत पर पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री किशनलाल पवार ने इस मामले की जल्द ही जांच करवाए जाने की बात करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें, पर्यावरण को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए पूरे हरियाणा में स्कूल के बच्चों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की भी पौधारोपण में रुचि बढ़े। इससे वातावरण तो स्वच्छ होगा ही, साथ ही बच्चे भी पर्यावरण को लेकर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। मैं जानकारी अभी जैसे आपने कहा कि मैं तीन साल से तीन साल की रिपोर्ट लूंगा कि गनौर के अंदर जो जिस प्रकार से नाले में गलने से बच्चे की मृत्यु हुई कैसी हुई इसकी पूरी जानकारी लूंगा, तो किन की नेग्लिजेंसी से हुई है इसकी हम पूरी रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगेंगे। निश्चित तौर पर किसी की नेग्लिजेंसी है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। गाँव में जो इंटरनेशनल वेजिटेबल सब्जी मंडी जो यहाँ बनने जा रही है उसके कैंपस में आज पौधारोपण किया गया। उसके ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीण के लोगों ने और विशेष तौर से स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि जिस प्रकार से स्वच्छ अभियान के तहत पूरा देश आज स्वच्छ अभियान में जुड़ा है, इसलिए पर्यावरण में सुख पाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि पूरे देश में अधिक से अधिक प्लांटेशन लगाए जाएँ। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने हरियाणा में पौधागिरी एक योजना शुरू की है कि जो पूरे प्रदेश में आम व्यक्ति और विशेष तौर से जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो पौधा अपने स्कूल में लगाएंगे, अपने आंगन में लगाएंगे या कोई स्थल खाली उसमें लगाएंगे, और वो बच्चे जो पौधा लगाएंगे वो अपने नाम से लगाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे। उस पौधे की पूरी जिम्मेवारी बच्चे की होगी। और जिस प्रकार से कृषि विभाग की तरफ से भी एक योजना है कि जो पौधा बिल्कुल बच्चा लगाएगा उसको सुरक्षित रखेगा उसको 50 रुपये तो इनाम भी उसको दिया जाएगा, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री की योजना है। कितने पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त से पहले पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाखों की संख्या में टारगेट तय किए हैं। तो 15 अगस्त से पहले जैसे वर्षा का समय है तो पौधारोपण पूरे प्रदेश में कर लिया जाएगा। रिपोर्ट हिंद एक्सप्रेस।